क्लास 8th, वेलकम टू द क्लास। महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया पाठ नीलकंठ, जो कि एक संस्मरण है, उसका थोड़ा सा भाग अभी हमने पढ़ा है, जिसमें हमने इतना पढ़ा है कि महादेवी जी अपने यहाँ आए हुए किसी अतिथि को छोड़ने के लिए जब स्टेशन पर जाती हैं, तो वहां से वापसी में वो ऐसी दुकान पर चली जाती हैं जहाँ पक्षी, छोटे छोटे जानवर इत्यादि मिलते हैं। वहां से वे दो छोटे छोटे बच्चे खरीद कर ले आती हैं, जो कि पक्षी के बच्चे हैं, और शॉप वाला भाई भैया उन्हें ये कह के कि ये मोर के बच्चे हैं, उन्हें दे देता है, जबकि उनके रूप रंग आकार प्रकार के हिसाब से घर में उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है कि वे शायद तीतर के बच्चे खरीद कर लाई हैं। परंतु एक दो दिन अपने कमरे में रखने के बाद वो उन्हें बड़े पिंजरे में पहुंचा देती है, जहां वो शैने शैने धीरे धीरे बड़े बड़े होने लगते हैं। और हम पढ़ रहे थे उनके रूप परिवर्तन की बात। पूंछ लंबी हुई, अब हम आगे पढ़ेंगे। पूंछ लंबी हुई और उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। उद्दीप्त हो उठे यानी बढ़ जाना। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उनका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। महादेवी जी वर्णित करती हैं कि किस तरह से जब वे दोनों मोर बढ़ने लगे तो उनके पैरों में, रूप रंग में, आकार प्रकार में, चाल में किस तरह परिवर्तन आ रहा था। वो ये कहती हैं कि इस परिवर्तन का मैं चित्र नहीं आंक सकती, वास्तव में ये परिवर्तन तो केवल देखकर अनुभव किया जा सकता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप चाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण, नीलाभ यानी नीली आभा से युक्त, ग्रीवा यानी गर्दन, नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ पड़ता। चंचू प्रहार यानी चोंच का प्रहार, चोंच से वो उनको चोट करता, जैसे वो ये कहना चाहता था कि सभी लोग बराबरी से दाना चुगो। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्त्र क्रंदन ना करने लगते उन्हें आधार में लटकाए रखता, मतलब कि वो प्रहार करता और जो खरगोश के छोटे बच्चे थे उन्हें चोंच में उठा लेता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण वेद संस्कार हो जाता, पर वे फिर भी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते। कर्णवेद यानी कान का हिस्से में उसकी चोंच चुभने लगती। ये दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उनका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअल जैसा खेल खेलते रहते। एक और तो लेखिका ने वर्णित किया है कि वो खरगोश के बच्चों को उठा लेता था और उस पर जैसे डांट सा रहा हो, लेकिन दूसरी ओर वो उनसे प्रेम भी करता था कि वो अपने लंबे पंखों को फैला लेता था और वो लंबे पंखों में जो अक्सर छोटे छोटे पक्षी हैं, पक्षी बच्चे, वो खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर घुस गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर इतना तीव्र भी नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे।
नीलकंठ दूत ऊपर झूले में सो रहा था, उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर्र से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास से पंजों से दबाया और फिर एक चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के दो खंड कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखकर उष्णता देता रहा। उष्णता मतलब गर्मी। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आता है। भगवान कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर माना जाता है। तो लेखिका महादेवी जी कहती है कि मोर का रूप रंग आकार प्रकार सुंदर है, पर अपनी चोंच से ही वो इतना तीव्र प्रहार करता है और सांप जैसे जीव को मार देता है। शायद यही वजह रही होगी कि कार्तिकेय जी ने उसे अपना वाहन चुना। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। मतलब जो मोर है उसको केवल हिंसा ही आती हो ऐसा नहीं है, बल्कि वो कला प्रिय पक्षी है। नीलकंठ में इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। लेखिका मयूर को चील और बाज की श्रेणी में नहीं रखती है। वो ये कहती है चील और बाज सदैव क्रूर कर्म करते हैं। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहज लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। यहाँ लेखिका ने नीलकंठ के नृत्य का वर्णन किया है और वो ये कहती है कि जैसे मेघ अपनी सांवली छाया देते हैं, उसी तरह से मानो वह भी अपनी छाया प्रदान करता था और मंडलाकार नाचता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, यानी मोरनी जो थी वो मोर के चक्कर काटा करती थी और उसका नाम था राधा। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। मतलब राधा उतना अच्छा नृत्य नहीं कर पाती थी जैसे कि नीलकंठ नामक मोर करता था, पर कहीं ना कहीं वो भी उसके आगे पीछे नाचती थी। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता। परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से नीचे उतरकर आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। अब लेखिका कहती है कि पता नहीं उसे कैसे पता लगा नीलकंठ को कि लेखिका को उसका नृत्य भाता है, तो इसलिए जैसे ही लेखिका आती थी वो तुरंत लेखिका के पास आता और अपने पंखों को फैलाकर नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कभी कभी लेखिका के साथ कुछ लोग और भी आते थे, तब भी नीलकंठ ऐसा ही करता था, तो बाकी सब लोगों को लगता था मानो नीलकंठ उनको बहुत सम्मान दे रहा है। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। लेखिका कहती है कि जिस चोंच से कभी वो सांप को मार देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है और नन्हे से खरगोश को बचा लेता है, उसी तरह से उसी चोंच से कभी जब लेखिका भुने चने अपने हाथ पर रखती थी तो वो इतने आराम से उठाकर खाता था
कि लेखिका को बहुत हंसी आती थी। वो सोचती थी कि क्या मोर इतना सॉफ्ट भी हो सकता है, वो अपनी चोंच से इतना सॉफ्टली काम कर सकता है। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। लेखिका कहती है कि जब बसंत का मौसम आता था और बसंत में आम के नए पत्ते आते हैं और मंजरियां आती, मंजरियां कहते हैं आम के बौर को, तो वो आते थे तो उस जाली घर के अंदर जिसमें उसको बंद किया गया था, वो अस्थिर होता था और उस समय उसको लगता था कि उसको बाहर छोड़ दिया जाए, तब लेखिका अक्सर उसको बाहर छोड़ देती थी। बच्चों, इससे आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप पिछला और ये वाला जरूर पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स।